कोई आदमी थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई आदमी फट से तेज हो जाता, कोई आदमी दौड़ने लग जाता। तू मेरे को विधानसभा के सामने नचा रहा है, शर्म नहीं आ रही? कोई तो आगे बैठ जाए जिससे बात हो जाए। और वेलकम जी, आप सबका स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। तो नवरात्रि आ गई और हमने भी अपने कमरे को, छोटे से कमरे को थोड़ा सा जगमगा लिया है। जो हो जैसा हो, लेकिन ये अपना घर है तो चमकाना बनता है। और यहाँ पे मैडम पेंटिंग कर रही है। मैं सीनरी बना रही हूँ। यहाँ से छपाई हो रही है मैडम की। एक्चुअली मैं क्या हो रहा था, ये दीवार का ये पोर्शन खाली खाली सा था, तो मैं पेंटिंग लेने का सोच रहा था। तब तक मैडम ने बोला मेरे को हाथ साफ करना है पेंटिंग में, मेरे को आता था। तो मैं बोला ठीक है करो, था को है बना दो। और किचन में हमने खाना बनाया, यहाँ है चावल और यहाँ है अंडा आलू की सब्जी। तो यहाँ खाना यहाँ पे मैंने परोस दिया है, मैडम ने अपना पेंटिंग को थोड़ा सा रोक दिया है। खा के पता कैसा बना? नहीं, अचार अच्छा है, मम्मी ने बनाया, कोई लोड नहीं। अच्छा है। दो तीन शब्द बोलो तारीफ के, जल्दी बोलिए बोलिए, चले मेरे कान तरस रहा, जल्दी बहुत अच्छा है। ऐसी सब्जी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाई। वाह, मतलब मेरा पनीर फेवरेट है, पर पनीर भी फेल हो गया उसके साथ। वाह साहब, इससे ज्यादा क्या ही तारीफ। और ऐसे खाना वाना खा के अभी बैठा हुआ था, तब पता नहीं सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि एक टाइम पे हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उनके घर पर रहते हैं, लेकिन आज मैं इतना कैपेबल हूँ कि एक छोटा सा 1 BHK रेंट लिया, लेकिन आई कैन से कि मैं अपने पेरेंट्स को बोल सकता हूँ कि आओ घूमने आओ, घर है रह लेना इज्जत से। ऐसा फील हुआ, पता नहीं क्यों। अगर किसी को लग रहा है कि मैं दारू पी के बैठा है, भंडी हूँ मैं, ठीक है। फाइनली मैडम का ड्राइंग कंप्लीट हो गया। ड्राइंग नहीं बोलते ना इसको, क्या ये वाटर कलर पेंटिंग? अच्छी है ना? दिख तो अच्छा रहा, बहुत टाइम बाद रह गया मैंने। बेच इसको। बेचूंगी, जिन्हें खरीदना है वो DM करे। थैंक यू। ऐसे चाय पीने में मजा आता भाई, तुम लोग आवाज करके नहीं पीते हो ना, तभी फील नहीं आता। खींचो करे, खींचो। मैं हो क्या रहा था ना, सारा का सारा शेड्यूल बिगड़ रहा था। रात को 11 बजे खाना खाना, 2 बजे सोना, फिर सुबह 8 बजे जगना, ब्रश करते ही ब्रेकफास्ट करते ही फिर ऑफिस को भागना, मतलब सांस लेने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा, इनको सजेस्ट किया, 12 बजे तक लुढ़क जाते हैं, 6 बजे तक जग जाते हैं, आधे घंटे पार्क में चले जाते हैं, फिर आके अपना काम धंधा कर लो, फिर ब्रेकफास्ट करके चल दो। 3-4 दिन की बात है, एक बार करते रहो ना फिर आदत बन जाता। ये भाई जड़ देखो, जड़ पेड़ का तना देखो क्या फैला है। सुबह सुबह यही हो रहा, कुछ भी चीज़ देखो ना तो लग रहा है ओहो ये भी होता है। नहीं लग रहा है? लग रहा है। भले 5 बार देखा हो, लेकिन सुबह सुबह ओहो मजा आ गया, मजा आ गया, अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। सुबह के 3-4 घंटे जो है ना हमारे पास फ्री टाइम जो हम सोने में निकाल देते हैं, वो अलग बात है कि अब ऑफिस में नींद आएगी, आधे घंटे का चपकी लेना पड़ेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना तो कर लेंगे। यहाँ इतने लोग चल रहे हैं एक टाइम के बाद लगता है कि आपस में रेस लगा दी। कोई आदमी थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई आदमी फट से तेज हो जाता, कोई आदमी दौड़ने लग जाता, कोई आदमी रुक ही जाता देख के कि मेरे को दौड़ना ही नहीं है, खेलना ही नहीं है, तुम चीटिंग कर रहे हो। मैं इसको घर लेके जाऊं। लोग पार्क में एक्सरसाइज करने आ रहे, तो बिल्ली खिलाने आ रही है। तो मैं रोज खिला रहा हूं। कल यहीं मिलना ठीक है? कितने बजे? 6 बजे। ले, भूख लग रहा था ना, हो गया योगा खत्म। लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं यहाँ पे चॉकलेट बिस्किट खा रही हूँ। पीछे बिल्डिंग देख रहे हो? हम बिल्डिंग देखने नहीं आए। हम बस माहौल एंजॉय करने आए थे, क्योंकि ऑफिस में एक लाइफ बिताने के बाद आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है दूसरा लाइफ बिताने के, तब उसी की खोज कर रहे हैं, सुकून की खोज में हम निकले। तो ऐसे घूमते फिरते हम विधानसभा उसके बाहर आके बैठ गए। भीमराव अम्बेडकर के स्टैचू और इतना बड़ा अपना विधानसभा, बाइक मैंने वहाँ कहीं खड़ी करी है। तो उसके बाद अरे क्या है वो बाटली भी को फेंक के बैठा भाई, वाह। सुकून तो लोगों ने उठाया काफ़ी। कौन सा है? रॉयल स्टैक। अबे कहीं मैं कोने में रख देता हूँ, पता लगा कि मेरे नाम पे बिल फाड़ दे भाई। रख दिया। कितने इज्जत के साथ रखा है। वो मदिरा है, मदिरा, उसको पीने के बाद कहीं भी आपको सुकून मिल सकता है, रोड के बीच में भी, नाले में भी, घर में भी। अभी पापा होते ना यहाँ मेरे, एकदम खुश हो जाते हैं देख के, अरे 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 मजा आ रहा है ऐसे टाइप। दिल्ली में हम लोग एक बार गए थे, मेरे को वहाँ से ट्रेन पकड़ना था कॉलेज जाने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो पापा क्या किए, ऑटो बुक किए, उसके बाद
पार्लियामेंट वाला एरिया घूमने गए, एकदम देख के फोटो खींचो मेरा। लोकसभा राज्यसभा देखते रहते हैं तो जैसे ही देखा तो खुश हो गए। पॉलिटिकल चीज़ें कुछ उनको दिखा दो जो उन्होंने टीवी में दिखा हो, एकदम खुश हो जाते हैं। और एकदम टॉप देख रहे हो, ये उंगली के यहाँ पे ये है अशोक का स्तंभ, चार शेर वाला नहीं होता, इधर 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 वो वाला। अरे देखो बच्चा क्या मस्त पोज दे रहा है ना, उसके पापा फोटो खींच रहे हैं। पापा की याद आ गई यार। अच्छा, पापा लेके जाते थे, घुमाते फिराते थे। मेरे पापा क्या करते थे, स्कूटर चलाते थे पापा, ठीक है, बाइक नहीं चलाते थे, स्कूटर जब चलाते तो मेरे को आगे खड़ा कर देते। मैं भी स्कूटर, जबकि आ रही है जो आ रही है, लेकिन खड़ा आगे होना है। ध्यान से देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क। ये तो है भाई, सच तो है, हर इंसान इंडिया में सरकारी नौकरी इसलिए चाहता है। आजकल तो लड़की भी नहीं देता कोई बिना सरकारी नौकरी के। प्राइवेट सेक्टर में अगर लौंडा है कुछ नहीं है, सरकारी काम है तब आओ। सरकारी काम वाले ने अच्छे अच्छे लोंडो के काट दिया नसीब, ठीक है, लड़की उठा के ले जाते हैं वो लोग। ध्यान से देखें वो दोनों लोग नाचने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपना भी मूड बन रहा है, अपना मतलब हम दोनों का। मेरा नहीं, नहीं नहीं, तू एक स्टेप बता मैं नाच दूंगा। तू मेरे को विधानसभा के सामने नचा रहा है, शर्म नहीं आ रही? यही वाला कर दे, कर अब। इसको बोलते हैं बीच में केटी छूड़ जाना। केटी मतलब क्या बताया था और क्या किया तुमने? केटी मतलब नॉलेज ट्रांसफर। अच्छा, यहाँ पे कुछ नए लोग आए, कुत्ता लेके आए, खेल रहे हैं। कुत्ता अब तो मालिक के पीछे भाग रहा है और ये कुत्ते के पीछे भाग रही है। ये कौन सा ब्रीड है? ये शिह त्सू। नहीं नहीं, काटा नहीं, काटा काटा नहीं। कल हम लोग घूमने गए थे ना विधानसभा, वहाँ पे एक गाड़ी आई तो अंकल लोग उतरे, तो अंकल थोड़े मोटे ताजे से थे और लुंगी पहनावा था, ये अंकल को बार बार दिखा के, अरे वो आंटी है ना, वो आंटी। यार तो दूर से आंटी लग रहा था, मैं क्या करूँ। जब वो अंकल ने लुंगी उठाई तब बोला कि ये तो अंकल है। लुंगी उठा के ऐसा क्या दिखाते, लुंगी उठाई मतलब कि उन्होंने पैर के वहाँ फोल्ड नहीं करते, यहाँ पे जनरली वो वाला स्टेप किया, तब ये बोला कि ये तो अंकल। वो शब्द ऐसे यूज किए उसने। घर जाने के बाद क्या क्या प्लान है? आज से तो निकल रहा है घर को। घर जाने के बाद एक पहाड़ चढ़ना है भाई, बाद एक नदी में जाना है और एक बोट होता है, बोटिंग करनी थोड़ी सी। ले तीन काम। बिल्ली देखे तो रास्ते में रुक गया, वो देखो बिल्ली भाग गया। ट्रेन में 30 घंटा जर्नी। 30 घंटा तो भाई मेरे लिए ऐसा नहीं है कि नई बात है, कई बार कर चुके हैं ऐसा संघर्ष और करते रहेंगे। जब कॉलेज के टाइम पे भी तो ट्रेन से जाता होगा ना तू? हाँ। ऐसे कभी उम्मीद लगा के भी नहीं बैठते थे कि कोई तो आगे बैठ जाए जिससे बात हो जाए? स्लीपर में तो कभी नहीं आई। तू क्या मुंह बना रही है, सारे लौंडे करते हैं ठीक है कि एसी में जा रहे हैं तो भाई आज तो बात हो जाए, लेकिन मिलते तो बूढ़े अंकल नहीं है। कोटा से आ रहा था मैं कोचिंग से पहले, मतलब बस गया था और वापस आ रहा था, उस टाइम मिली थी, उस टाइम आईटीएन भी मिला था। मैं जब जा रहा था कॉलेज से घर तो एक बंदी मिली थी। तो सुशील और नम्रता गए हैं अभी चावल लेने, क्योंकि रात को हम तीनों में से किसी ने भी डिनर घर पे नहीं किया, हम सब बाहर थे, तो हमारा आटा और चावल दोनों खत्म हो गया था। अभी कुक आया था, हमने बस सब्जी बनवा दिया और बोला कि चावल हम खुद बैठा देंगे, अभी लाएंगे बैठाएंगे फिर पैक करेंगे फिर जाएंगे, तो तब तक मैं वीडियो एडिट कर लेता ना। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल कर देना, कर देना। सलमान भाई वाला कर दो भाई, कम ऑन। यही यही उम्मीद थी तुमसे। ओ जाने वाला है सब करना, ओ जाने वाला। हाँ 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 होता नहीं है ना, क्या करूँ।